सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार तुहाडा फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी टूडे पंजाब न्यूज़ चैनल ते। मैं हाँ तरसेम सिंह मठाड़ू लैके हाजिर हुए हैं जी अज के दिन दियां सुबह दियां ताज़ा तरीन बड़ियां खबरां। दोस्तों इन्हां खबरां नूं शुरू करन तों पहले एक बार नज़र मारदे हां चोणवीआं खबरां ते। पहली चोणवी खबर है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अते प्रताप बाजवा च शुरू हुई शब्दी जंग, आखियां वड्डियां गल्लां। अमित शाह की अगवाई च हुई 31वीं NZC मीटिंग च गूंजे राजधानी ते SYL दे मुद्दे। CM मान बोले चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब दा। साबका वित्त मंत्री मनप्रीत बादल दे खिलाफ बठिंडा कोर्ट तो गिरफ्तारी वारंट जारी, किसे वेले भी हो सकती है गिरफ्तारी। कुल्लर पीजा जोड़ी दी वायरल वीडियो बारे नवा खुलासा, FIR दी कापी च पूरी हकीकत आई सामने। ऑस्ट्रेलिया च समा तब्दीली, 1 अक्टूबर तो भारत तो इन्ने घंटे का होगा फर्क। खालसा एड वालों विद्यार्थियों लिए महीनावार राशन सेवा शुरू, वादी महंगाई कारण किया जा रहा है उपराला। भारत बासमती चौलों के निर्यात च करेगा कटौती, वादियां कीमतों कारण कई देशों ने बासमती चौलों के निर्यात से लाई पाबंदी। संसद मैंबर रवनीत बिट्टू की मनप्रीत बादल नूं वड्डी चुनौती। 250 तो 2 रुपए किलो तक पहुंचा टमाटर, किसानों ने रखी MSP की मांग। 30 सितंबर तो पहला निपटा लो, पैसे नाल जुड़े ये जरूरी काम, नहीं तो होगी परेशानी। तो दोस्तों इसी अपन इस वेले दी चोणवीं खबर हुण गल करदे हां इन्हां खबरों की विस्तार नाल। उस तो पहला जिहड़े दोस्त चैनल ते नवे आए ने चैनल नूं सबसक्राइब कर लो जी, ते जे तुसीं अपनी वीडियो फेसबुक पेज ते वेख रहे हो तो अपने फेसबुक पेज टूडे पंजाब न्यूज़ नूं भी फॉलो जरूर कर लो, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद होवेगा। पहली खबर की गल करदे हां जी, मुख्यमंत्री भगवंत मान अते प्रताप बाजवा च शुरू हुई शब्दी जंग, आखियां वड्डियां गल्लां। प्रताप बाजवा वालों आप सरकार के 32 विधायकों के उन्होंने संपर्क च होने के बयान तो बाद सूबे की सियासत गरमा गई है, जिस विच मुख्यमंत्री भगवंत मान अते प्रताप बाजवा च ट्विटर वार शुरू हो गई है। पिछले दिन ही विरोधी धिर के आगू प्रताप सिंह बाजवा वालों एक वड्डा बयान दिता गया सी कि सरकार के 32 विधायक उन्होंने संपर्क च ने, जिसनों लैके सियासत गरमाउंदी जा रही है। इसनों लैके मुख्यमंत्री भगवंत मान अते प्रताप सिंह बाजवा च हुण ट्विटर वार शुरू हो गई है। इस संबंधी मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों प्रताप बाजवा के बयान नूं लैके पलटवार किया सी, तां उसका जवाब प्रताप सिंह बाजवा ने भी ट्वीट राही दिता है। CM भगवंत मान का सोशल मीडिया से जवाब सीगा, जिहड़ा उह दस दिंदे आ। पंजाब च मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करदिआं कहा कि प्रताप बाजवा जी, तुसीं पंजाब दे लोकां दी चुनी हुई सरकार तोड़न की गल कर रहे हो, मैनूं पता है कि कांग्रेस ने तुहाडी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा की भ्रूण हत्या कर दित्ती सी। मैं पंजाब दे 3 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हाँ, तुहाडे वांग कुर्सी का तिकड़मबाज नहीं, जे हिम्मत है तो हाई कमांड नाल गल करो। अगली खबर वल वधदे हां जी, अमित शाह की अगवाई च होई 31वीं NZC मीटिंग च गूंजे राजधानी ते SYL दे मुद्दे। CM मान बोले चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब दा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवाई हेठ अमृतसर च उत्तरी खरीद खेतरी परिषद की 31वीं बैठक होई, जिस विच 3 सूबिआं दे मुख्यमंत्री ते चंडीगढ़ दे प्रशासक मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो सीधा मीटिंग लई होटल ताज सवरना पहुंचे ते हवाई अड्डे ते पंजाब सरकार दे वल्लों वित्त मंत्री हरपाल चीमा ते कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने उन्हां दा स्वागत किया, जबकि भाजपा के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, सूबा प्रधान सुनील जाखड़ ते उन्हां दी टीम ने उन्हां दा स्वागत किया। मीटिंग च मुख्यमंत्री भगवंत मान ने BBMB दे मैंबर पावर नियुक्ति हड़ राहत नियमों च तब्दीली, फर्जी ट्रैवल एजेंटा वालों धोखाधड़ी, RDF पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ राजधानी चंडीगढ़ शानन पावर प्रोजेक्ट SYL नी फौजी बलों के खर्चे आदि मुद्दे चुके, ते नाल ही उन्होंने SYL का जिहड़ा मुद्दा चुके उस बारे दस दें। SYL के मुद्दे ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, साडे कोल किसी राज नूं देण लई वाधू पानी नहीं, इस मुद्दे नाल सूबे की कानून व्यवस्था विगड़ सकती है, इसका असर हरियाणा अते राजस्थान ते पवेगा। मौजूदा स्थिति च उपलब्ध पानी का मुलांकण किया जाना चाहिए, नहर बनाउण दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। अगली खबर है जी, साबका वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ बठिंडा कोर्ट तो गिरफ्तारी वारंट जारी, किसी वेले भी हो सकती है गिरफ्तारी। जी हाँ दोस्तों, साबका मंत्री मनप्रीत बादल की वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है,
ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਜੋੜੇ ਦੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ, FIR ਦੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹਕੀਕਤ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਜੋੜੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਜੋੜੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ABP ਸਾਂਝਾ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ FIR ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 384, 509, 66E ਅਤੇ 66D ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸਮੇਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। FIR ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਰਕ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਐਤਵਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ, ਤਸਮਾਨੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਈਜ਼ਲੈਂਡ, ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਾਰਦਰਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਖਾਸਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ, ਟਾਰਨੇਟ ਅਤੇ ਕੈਰੇਗੀ ਬਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਆ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ, ਮਸਾਲੇ, ਦੁੱਧ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਬਾਸਪਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਕਟੌਤੀ। ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਸਪਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਸਪਤੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਸਪਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਸਪਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਾਸਪਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਸਪਤੀ ਚੌਲ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਸਪਤੀ ਚੌਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਸਪਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਸਪਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਾਸਪਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ
निर्यात में कटौती कर सकता है। केंद्र सरकार ने नैशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड NCEL की मदद नाल UAE नू गैर बासमती चौलों के निर्यात नू मंजूरी दे दी है। सरकार ने 75,000 टन चौल निर्यात करने की इजाजत दी है। विदेशी व्यापार डायरेक्टोरेट जनरल ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये जानकारी दी है। पाकिस्तान ने बासमती चौलों की घट्टो घट्ट निर्यात कीमत $1,050 प्रति टन कर दी है। अगली खबर, सांसद मैंबर रवनीत बिट्टू की मनप्रीत बादल नूं वड्डी चुनौती। सांसद मैंबर रवनीत बिट्टू ने भाजपा नेता ते साबका वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल खिलाफ तिखी प्रतिक्रिया दित्ती है। उन्हां कहा कि मनप्रीत बादल पिछले 2 महीनों तो इंग्लैंड भगौड़ा, जेकर उस सच्चा है तो उन्हां नूं किस गल का डर है ते सामने आ जाए। पत्रकार नाल गलबात करदे बिट्टू ने कहा कि मनप्रीत बादल कविता लिख के महान कवियां दीआं धारणा दिंदे सन ते अज ओह शायरी किथे गई है। अजिहे लोकां दी बदौलत ही अज असीं विरोधी धिर विच बैठे हाँ ते ओह इंग्लैंड किसे टापू विच लुके होए ने। पहलां भी असीं हाईकमान नूं बादलां नूं पासे रखण लई कहिंदे सी ते अज कांग्रेस पार्टी की हालत लई मनप्रीत बादल ही जिम्मेवार है। 250 तो 2 रुपए किलो तक पहुंचा टमाटर, किसानों ने रखिया MSP की मांग। टमाटर के भाव जो बीते महीने पहला समान छू रहे हूँ उन्होंने गिरावट आ गई। एक महीना पहला जो टमाटर 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे थे हूँ 2-3 रुपए किलो ते आ गए ने। इस कारण किसानों भारी नुकसान हो रहा है। कुछ समय पहला तक टमाटर के भाव ने लोगों इन्ना सताया कि टमाटर सोई भी दिख ही नहीं रहे सन। पिछले महीने टमाटर की कीमत 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे, जिन्हां च उस समय टमाटर की खेती सी अमीर हो गई। इस दे नाल ही अज इस नूं उगाउण वाले किसानां दी हालत तरसयोग बन गई है। दस दईए कि 1 महीना पहला तक महाराष्ट्र में टमाटर की कीमत 250 रुपए प्रति किलो सी, जो अज घट के 2-3 रुपए प्रति किलो रह गई है। स्थिति में किसान अपने टमाटर नूं सुट्टण लई मजबूर हो गए ने। इस वार टमाटर की पैदावार चंगी होने कारण टमाटर के भाव में भारी गिरावट आई है। नासिक के किसानों का कहना है कि अजिही स्थिति च टमाटर उत्ते MSP लागू करना ही इस मुश्किल तो निकलने का एको एक रास्ता। टमाटर गाउण से जिन्ना पैसा खर्च हो उसकी वसूली किसानों तो नहीं हो रही। जिहड़े किसान पहला टमाटर वेच चुके ने किसी तरह अद्धी लागत वसूलन में कामयाब हो गए। पुणे के थोक बाजार च टमाटर की कीमत 5 रुपए प्रति किलो तक डिग गई। इस दाल ही कोलाहापुर भी टमाटर दीमतों से भारी गिरावट आई। उतों के किसान टमाटर 2-3 रुपए प्रति किलो के हिसाब न बेचण लई मजबूर ने। अगली खबर है जी, 30 सितंबर तो पहला निपटा लो पैसों नाल जुड़े जरूरी काम, नहीं तो होगी परेशानी। लास्ट खबर है, सितंबर का महीना खत्म होने हुण सिर्फ कुछ ही दिन बाकी बचे ने। 1 अक्तूबर का नवा महीना शुरू होने वाला। 1 अक्तूबर शुरू होंदे ही सरकारी कामों के नाल वित्तीय मामलों नाल जुड़े कई नियम भी बदल जाएंगे, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब से पैना लाजमी। इसलिए इन नियमों बारे जानकारी होना हर किसी लई लाजमी है। RBI का ऐलान 1 अक्तूबर तो 1 अक्तूबर 2023 तो 2000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाएंगे। जेकर तुहाडे कोल 2000 रुपए का नोट है तो अजे तक इस नहीं बदले तो तुम 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए का नोट बदल सकते हो। तो 1 अक्तूबर तो 2000 रुपए के नोट वैध नहीं होंगे। इस तो बाद 2000 रुपए के नोट नहीं चलेगा। आधार नाल बैंक खाता लिंक करना जरूरी है जी। जेकर तुसी अजे तक अपने बैंक खाते अते छोटियां बचत स्कीमां नूं आधार नाल लिंक नहीं कीता तां जल्दी तो जल्दी अजिहा करो, क्योंकि 30 सितंबर तक PPF सुकन्या समृद्धि योजना SSY पोस्ट ऑफिस स्कीम नूं आधार नाल लिंक करना जरूरी हो गया। जेकर तुसी अजिहा नहीं करदे तां अजिहे खातिआं नूं 1 अक्तूबर 2023 तों फ्रीज कीता जा सकदा। इस तों बाद तुसी स्कीमां भाव खातिआं विच कोई लैण देण निवेश नहीं कर सकोगे। तो दोस्तों, इस नाल ही अपनियां अज सुबह दियां खबरां खत्म होंदियां ने। मिलदे हां अगले दिन दियां खबरां नाल। हुंदे लई इन्ना ही, धन्नवाद, सत श्री अकाल।